सिख विरोधी बयान पर मॉडल टाउन गुरुद्वारा के पास चौराह पर सिखों ने फूंका। राहुल गांधी का पुतला बरेली में, सरदार अमरजीत सिंह बख्शी ने कहा। विदेशी धरती पर जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिखों के खिलाफ बयान दिया है, वह 84 के दंगों की याद ताजा कर देता है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वह सिख विरोधी है। सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सिख ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी बचपन है। राहुल गांधी राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी। आज ये राहुल गांधी जी का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में जाके सिखों के खिलाफ जो बयान दिया, मैं कह रहा हूँ सिखों के खिलाफ क्या, किसी भी समुदाय के खिलाफ बाहर की धरती पर कोई भी खराब बयान देना बहुत ही निंदनीय है। कोई भी हमारी समस्या हिंदुस्तान में समुदाय विशेष देश है, ये हो सकता है कुछ समस्याएं हों, उन्हें हम मिल बांट कर निपटा लेंगे। और मोदी जी के बारे में और योगी जी के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने सिख धर्म से कोई रिश्ता नाता ना होते हुए भी सिर पे गुरु ग्रंथ साहब को उठाया, अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवाया, और मोदी जी दरबार साहब अमृतसर गुरुद्वारे में गए, वहां लंगर की सेवा करी, वहां प्रसादे बनाए। हम उन लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि वो सिखों की खिलाफत करेंगे? अरे हमें तो 84 याद है, सिखों का लोग उसको भी आज कह देते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा था। लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो तो एक सीधा सीधा सिख कौम पे प्रहार था, तो वो कांग्रेस नहीं करा था ना, कांग्रेस वो भूल गई। वो शब्द राहुल गांधी जी वहां पे ये कह देते कि 84 में जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, हम राहुल गांधी जी की बहुत प्रशंसा करते, आज हम उनकी निंदा कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं।